राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री राजाखेड़ा विधानसभा से 8 बार के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह कप्तान बाबूजी को अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन गहलोत विवाद के बाद जिस तरह से राजाखेड़ा विधायक और प्रद्युम्न सिंह जी के सुपुत्र रोहित बोरा ने जो भूमिका अदा की, उससे कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 19 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रद्युम्न सिंह जी से जयपुर स्थित निवास पर जाकर मिले थे। उसके बाद से ही प्रद्युम्न सिंह या रोहित बोरा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने की राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी। राज्यपाल गहलोत सरकार की सिफारिश पर सोमवार को वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दे दी और प्रद्युम्न सिंह जी को वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। आयोग में 2 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी को वित्त आयोग का सदस्य बनाया गया है। कप्तान बाबूजी के वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने से धौलपुर और राजाखेड़ा के लोगों में हर्ष का माहौल है। कप्तान बाबूजी के घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है।